आवाज किसको आज परमेश्वर की जरूरत है? आपने गीत गाया अभी इसी समय, बाइबल बोलती है यहोवा मेरा रक्षक है, हालेलुया। आज आपको विश्वास करना है, ये गीत गा रहे हैं जो आप ऐसे नहीं गा रहे, जब आप वर्शिप करते हैं परमेश्वर की प्रेजेंस आपके बीच में आती है। आइए हम सब अपने हाथों को उठाएं, परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, पवित्र आत्मा आपको छुए और बरकत दे। सब लोग मुंह खोलकर प्रार्थना करो, अपने हाथों को उठाओ, शाबाश। जो आप मांगना चाहते हैं आप मांगें, जो लोग मांग रहे हैं उन्हें मिल रहे यीशु मसीह के नाम में। जो आज परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं, आज आशीषें स्वर्ग से रिलीज, स्वर्ग से रिलीज हो रही हैं। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं, मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय पवित्र आत्मा तेरी हजूरी में खड़े हैं परमेश्वर, जो इस समय पवित्र आत्मा तुझे ढूंढ रहे हैं, मेरे प्रभु तुझे खोज रहे हैं, इनके जीवनों में आशीष आने पाए आज यीशु मसीह के नाम में। हर एक शराब बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम में, हर एक बंधन टूटने पाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी हम हाथ उठाकर परमेश्वर तेरा स्वागत करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, और तेरी तारीफ करते हैं पवित्र आत्मा जी, तेरे नाम को ऊंचा करते हैं परमेश्वर। और इसी समय मेरे प्रभु तेरा अनुग्रह पवित्र आत्मा स्वर्ग से मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में, स्वर्ग से मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में, स्वर्ग से मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जिन लोगों ने भी आज तक पवित्र आत्मा तुझे ग्रहण नहीं किया, जो आज पहली बार भी परमेश्वर इस भवन में खड़े होकर प्रार्थना कर रहे हैं, हाथ उठा रहे हैं, मेरे प्रभु जो ऑनलाइन भी मुझे देख रहे हैं, इस समय परमेश्वर तेरे अनुग्रह को पवित्र आत्मा ये लोग लेने पाए यीशु मसीह के नाम में। आज जितने लोग पश्चाताप कर रहे हैं पवित्र आत्मा का अनुग्रह उन्हें मिल रहा है यीशु मसीह के नाम में। विश्वास करना है आपको, जो लोग इस समय पश्चाताप कर रहे हैं, जो लोग परमेश्वर के सामने हाथ उठा रहे हैं, जब आप पहली बार चर्च में आए हैं, जब हर संडे चर्च में आते हैं, परमेश्वर का अनुग्रह आपके लिए आने के लिए तैयार है यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा का ग्रेस आज आपके ऊपर उतरेगा, उसका अनुग्रह आपके ऊपर उतरेगा, और आप खाली हाथ नहीं जाएंगे आज यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। फिर से गाओ, फिर से गाओ ये गीत। बिन तेरे में कुछ भी नहीं, बिन तेरे में कुछ भी नहीं, अरे बिन तेरे में कुछ भी नहीं, बिन तेरे में कुछ भी नहीं, यहोवा बोलो मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा अपने हाथों को उठाओ, मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, गाओ शाबाश, मुझे तेरी जरूरत है, अपने हाथ को उठाओ, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, प्यार तू करता इतना, मुझे प्यार अपने हाथों पे खोती मेरी सूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, अपने हाथों को उठाओ और इसी समय कहो कि परमेश्वर मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है, अपने हाथों को उठाओ इसी समय परमेश्वर। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना कर, ओए इसकी बेंस खोल, इसकी बेंस खोल, थोड़ी इसकी आवाज खोल। एक लेडीज को भी पता लग जाता है अपने पति के साथ जब रहती है एक साल में वो क्या खाता है और क्या पहनता है। अपने हाथों को उठाओ, शाबाश, और इसी समय पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, कि जो लोग इस समय मेरे प्रभु हाथ उठा रहे हैं पवित्र आत्मा जी, मेरे पिता कोई भी जन आज खाली हाथ वापिस ना जाने पाए परमेश्वर। सच में आज हमने गीत में गाया परमेश्वर मुझे तेरी जरूरत है, परमेश्वर मैं आज विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा जी, जो लोग इस समय पवित्र आत्मा किसी भी बंधन में आज आजाद हो जाएंगे यीशु मसीह नासरी के नाम में। जिन लोगों ने तुझे ढूंढा है परमेश्वर, पुकारा है पवित्र आत्मा जी, आज मेरे पिता परमेश्वर इनके ऊपर तेरा अनुग्रह बरसने पाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा तू छू अपने लोगों को, तू ही हमारा बल है, तू ही हमारी चट्टान है, तू ही हमारा शरण स्थान ठहरा, तू ही हमारा गढ़ है, तू ही हमें महामारी के जाल से बचाने वाला परमेश्वर है। मेरे पिता जो लोग इस समय पवित्र आत्मा अंदर से टूटे हुए हैं, कोई परेशान है, कोई भी पवित्र आत्मा आज मेरे पिता तेरे दरबार में कोई आंस लेकर आया परमेश्वर,
तेरे चर्च में आज कोई भी जन खाली हाथ वापिस ना जाने पाए यीशु मसीह के नाम में। मैं महसूस कर रहा हूँ, मैं से देखता हूँ आत्मा में, और मैं देख रहा हूँ कि जिसका नाम ए और एस है, अब आप किराए के मकान पर नहीं रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं महसूस कर रहा हूँ पवित्र आत्मा की प्रेजेंस को, और अगर आप उस फीलिंग को ले रहे हैं, यहाँ पर फीलिंग लेनी पड़ती है। आप जब सेंट लगाते हैं तो सूंघना पड़ता है, आपको फीलिंग लेनी है कि मेरे लिए भविष्यवाणी हुआ, स्वर्ग दूत मेरे साथ जा रहे हैं आज यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा बोलता है, कह रहे कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो सुबह प्रार्थना नहीं करते, बस काम करते हैं और चल पड़ते हैं। आप अपने कामों में रुकावट देख रहे हैं, लेकिन अगर आज आप फैसला ले रहे हैं, आप चेंज कर रहे हैं, सुबह उठकर प्रार्थना करके फिर काम स्टार्ट कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, मेरे चर्च में आने वाले लोगों की बात कर रहा हूँ, मैं ऑनलाइन नहीं मैं देख रहा हूँ, मैं चर्च में आने वाले लोगों की बात कर रहा हूँ। होली स्पिरिट मुझे स्टेज से बोल रहा है इस बात के लिए, आपको आपको फील करना है कि परमेश्वर मेरी ये गलती है। और आज से पवित्र आत्मा आपका फेवर करेगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। आप डिसीजन लें, आप डील करें परमेश्वर के साथ कि परमेश्वर मैं आज से तेरे से डील करता हूं कि मैं ये पूरा साल मैं प्रेयर करे बगैर घर से बाहर नहीं निकलूंगा। परमेश्वर आपकी एक बड़ी डील बनाने वाला इस हफ्ते में यीशु मसीह के नाम में। अगर आप प्रॉपर्टी का बिजनेस करते हैं, अगर आप ब्यूटी पार्लर की दुकान करते हैं, आप कोई भी छोटा काम करते हैं, आज के बाद आपके बिजनेस छोटे नहीं रहेंगे, याद रखना। आपके बिजनेस बड़े किए जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं देखता हूँ, मैंने कई बार प्रोफेसी किया और पवित्र आत्मा ने मुझे दिखाया। आप सुनेंगे इंडिया के अंदर बहुत बड़ा लीडर कोई मिनिस्टर रहा हुआ है, डेड हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, हार्ट अटैक, खत्म, फिनिश। मैं फिर कह रहा हूँ परमेश्वर आपको बचाना चाहता है। आप सुनेंगे न्यूज में, अभी होली स्पिरिट ने मुझे दिखाया, अभी अबालाबा शबालाबा मुझे बोलना पड़ता है, मुझे शर्म आती है कई बार बोलते हुए, मुझे होली स्पिरिट बोलने के लिए मजबूर करता है। कई बार मैं डरता हूँ कि लोग मुझे क्या कहेंगे, लेकिन होली स्पिरिट मुझे बोलता है बोल, बोलने वाला तू नहीं मैं हूँ। हालेलुया। आपको विश्वास करना है कि आप यहाँ पर खड़े हैं, पवित्र आत्मा आपके जीवन में चमत्कार करेगा। जिनके नाम एस आर एम एन पी और के से और बी और जी से, आपको बिलीव करना इस प्रोफेसी पर। आप कनाडा के साथ पीआर होंगे, आप यूएसए के साथ पीआर होंगे, आप ऑस्ट्रेलिया के साथ पीआर होंगे, आप इटली फॉरेन कंट्री में यूरोप के अंदर पीआर होंगे, आप जिस इस चार कंट्री के अंदर लगाएंगे आप पीआर होंगे, ब्लेस होंगे यीशु मसीह के नाम में। ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में काम करेगा यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा था जानवरों के थ्रू वायरस आएगा, बच्चों पर अटैक करेगा, किसी किसी तरीके से अलग लगाएंगे। आप झेल रहे हैं और आप देख रहे हैं, आप देख रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ अक्टूबर महीने से कुछ ज्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी, परमेश्वर फिर भी आपका फेवर करेगा यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा था कि फॉरेन के लोग देखेंगे ज्यादा, जानवरों में बीमारियां आएंगी। आप सुन रहे हैं कि गायों में प्रॉब्लम आ रही है, आप सुन रहे हैं जगह जगह कि आपने सुना था, एक भी भविष्यवाणी झूठी नहीं है। होली स्पिरिट आपसे बातें कर रहा है, पवित्र आत्मा आपसे बात करता है। आप कहीं से भी आयो, परमेश्वर आपको जानता है यीशु मसीह के नाम में। अगर आपको बिलीव नहीं आता तो मैं एक लेडीज को यहाँ पर बुलाता हूँ, होली स्पिरिट आपसे आपसे बात करे और आपको आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। तेरे मार खाने से सब कहें मैंने शिफा पाई है, तेरे मार खाने से उत्तरात्मा मैंने शिफा पाई है, मेरे परमेश्वर शिफा पाई है, शिफा पाई है, शिफा पाई है तेरे मार खाने से, यीशु मैंने शिफा पाई है तेरे खूब होने से, मिली मुझको
को रिहाई है। अबलाबा शबलाबा बलाबा शबलाबा बलाबा शबलाबा। पवित्र आत्मा इसी समय परमेश्वर अनुग्रह करे। मैं किसी जगह पर बहुत बड़ी आग गिरते देख रहा हूँ, किसी देश के ऊपर, और हजारों लोग डेड हो गए। होली स्पिरिट मुझे दिखाता है, मैं फिर कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग समस्या को देख रहे हैं। मैंने कहा था बाढ़ें आएंगे, अजीब तरह की घर तहस नहस हो जाएंगे, 1 लाख से ज्यादा लोग पाकिस्तान में तहस नहस हो गए। लेकिन जब हम बोलते हैं, मैंने कहा था कि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कौन है, माथा पकड़ कर बैठे, मुझे बहुत दिख रहा है कि वो प्रॉब्लम्स में है, बहुत टेंशन में आ गया, न्यूज में आएगा। आपने सुना इतिहास में पहली बार ऐसी बाढ़ आई उनके यहाँ पर और प्रॉब्लम्स हुई। लेकिन बिलीव करना है आपको। कुछ लोग बदनाम करते हैं कि नहीं, अपनी ओर से भविष्यवाणी करते हैं। आत्मा कहता है शोकित ना करो, जो शोकित करेगा वो प्रॉब्लम्स में जाएगा। पवित्र आत्मा को शोकित करते हो आप। अबलाबा शबलाबा बलाबा शबलाबा बलाबा शबलाबा। पवित्र आत्मा आपका फेवर करेगा। आप जितने भी यहाँ पर खड़े हैं जिन्होंने हाथ उठाए, परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत भेजा है आज से उन लोगों के लिए जो वर्शिप कर रहे हैं। हर संडे, हर वीरवार आप आते हैं यहाँ पर, आप ऑनलाइन में बैठते हैं। एक सरकंडा लेकर मैं एक स्वर्गदूत को देख रहा हूँ, और 3 हफ्ते के अंदर जो आप मांग रहे हैं आपके कामों को बनाएगा यीशु मसीह के नाम में। अबलाबा शबलाबा बलाबा शबलाबा। पवित्र आत्मा तू छू और ब्लेस कर, और इसी समय मेरे प्रभु तू ब्लेसिंग दे यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं ऐसे किसी को देख रहा हूँ जिसका नाम ऐसे किरण है, किरण किरण है, और सामने है किरण है। अबलाबा शबलाबा बलाबा शबलाबा बलाबा शबलाबा बलाबा शबलाबा। और इसी समय पवित्र आत्मा आपको छुए और ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के नाम में। और हो सकता है कि कोई किरण 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 किरण, हाँ हाँ, अबलाबा शबलाबा बलाबा शबलाबा बलाबा शबलाबा। हाँ, आप में से कौन है जिसके पास बेटा नहीं है? मैंने देखा जो किरण है जिसके पास बेटा नहीं है, कम हेयर, हाँ कम हेयर, यस, रेड सूट, रेड सूट। तेरे को बोला, देखो ये पहचान है परमेश्वर की, मैं आपको बता रहा हूँ। आप मुझे जानते हो कोई? माइक, लड़की, हाँ हाँ, आप मुझे नहीं जानते लेकिन ये पहचान है कि पवित्र आत्मा ने मुझे कहा किरण बहुत है यहाँ पर लेकिन इसके पास बेटा नहीं है। मैं ये बात आपकी बता रहा हूँ। और जितनी किरण यहाँ पर खड़ी हैं, आप 2023 के अंदर अपना एक नया मकान बनते देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। आप ब्लेस हो जाएंगे। मेरे हाथ की तरफ देखना लड़की, दोनों देखो। और इसी समय वो बंधन टूट रहे हैं, और इसी समय वो चीख रही हैं और चिल्ला रही हैं, आउट आउट, निकल आओ, चलो निकलो, बाहर 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 बाहर, चल भाग यीशु मसीह नासरी के नाम से। और होली स्पिरिट इसी समय परमेश्वर इनके ऊपर अनुग्रह करे यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय इसके कोख में से, गर्भ में से वो शराब को छोड़ देता हूं यीशु मसीह के नाम में। और यहोवा जोरावर की ये बात पूरी होने पाए यीशु मसीह के नाम में, बेटे की आशीष मिलने पाए दोनों को यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। अपने हाथों को उठाओ और जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आज से आपके साथ रहे और आपकी आशीषों को खोलेगा वो यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाकर जो मांग रहे हैं उनको मिल रहे यीशु मसीह के नाम में। जोर से तारीफ करो आमीन। बिन तेरे में कुछ भी नहीं, बिन तेरे में कुछ भी नहीं, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। प्यार तू करता इतना, मुझे प्यार तू करता अपने हाथों पे खोदी मेरी सूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। जोर से
दियो तू मेरे चेहरे की रौनक और है मेरी कुबत हशमती और जलाल के बादशाह तुझसे है मेरी जीनत हशमती और जलाल के बादशाह तुझसे है मेरी जीनत तेरे बिना दे जिंदगी मेरी है तेरे बिना दे जिंदगी मेरी बेरौनक बेसूरत है यहोवा मुझे तेरी जरूरत जोर से यहोवा मुझे तेरी जरूरत है यहोवा मुझे तेरी जरूरत है प्यार तू करता इतना मुझे प्यार तू करता हाथों को चटा के ताली के साथ है प्यार तू करता इतना मुझे प्यार तू करता इतना हाँ मुझे प्यार तू करता इतना अपने हाथों पे खोती मेरी सूरत है यहोवा मुझे तेरी जरूरत है जोर से यहोवा मुझे तेरी जरूरत है 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 प्यार तू करता इतना हाँ मुझे प्यार हाँ मुझे प्यार तू करता इतना हाँ मुझे अपने हाथों पे खोती मेरी सूरत है ओ यहोवा मुझे तेरी जरूरत जोर से यहोवा है यहोवा मुझे तेरी जरूरत One, two, three, start! मेरा चिंता खुदा मैनू देता है बल मेरी मुश्किल दा करता ओ हर एक हल ओदे नाम बिच मिलदी दिलेरी है ओदे नाम बिच ओदे नाम बिच मिलदी दिलेरी है जित मेरी है जित मेरी है
ओते नाम विच मिलदी दलेरी ए ओते नाम विच मिलदी दलेरी ए जित मेरी मेरी ए जित सारे बोलो हालेलुया हालेलुया। सब लोग एक छलांग लगा के बैठ जाओ। शाबाश, जोर से तारीफ करें यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। जो लोग तारीफ कर रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूं, वह आशीष पा रहे हैं। परमेश्वर आपको छुए और बरकत दे यीशु मसीह के नाम में। कितने लोगों ने आज आशीष पाई? जो लोग गा रहे थे, झूम रहे थे, नाच रहे थे गर्मी में भी, परमेश्वर की आशीषें आपका इंतजार कर रही है यीशु मसीह के नाम में। कर रही है कि नहीं? सारे एक दूसरे को स्माइल दो, एक दूसरे को बोलो कि आज तेरी आशीषें आ रही है यीशु मसीह के नाम में। एक दूसरे का हाथ मिला के बोलो तेरी आशीषें आ रही है। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। हाँ हाँ, गवाही के साथ जल्दी जल्दी फटाफट। इस बहन के पास 12 साल से कोई बेटा नहीं था। स्पेशल लेहर प्रेयर करा के गए, आज पूरा परिवार गवाही देने के लिए आए। 12 साल के बाद बेटा हुआ। नीता जी ना दिया सच्चिया रब हो नानू मिलदा, नीता जी ना दिया सच्चिया रब हो नानू मिलदा। बोलो यीशु मसीह की। आज 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 सारे बोला हालेलुया हालेलुया कैमरे के सामने। हाँ हाँ, परमेश्वर आशीष दे। देखो इस बहन को परमेश्वर ने आशीष दिया। 12 साल थोड़े नहीं होते हैं। कहाँ से आए आप? जलंधर। तो जलंधर से। बोलो हालेलुया। बैठ जाओ बैठ जाओ, आपके घर भी बेटा हो रहा है। बैठ जाओ बैठ जाओ। परमेश्वर आशीष दे आपको यीशु मसीह के नाम में। बोला हालेलुया। आप विश्वास कर रहे हैं परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा आज? करेगा कि नहीं? चर्च, ये गवाही आपके लिए थोड़ी है। बोलो बहुत बड़ी गवाही है। देखो 12 साल में बेचारी कहां कहां नहीं गई होगी। परमेश्वर आशीष दे बेटे के लिए। लोग तरसते हैं, तरसते कि नहीं? हाँ हाँ, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। हाँ हाँ हाँ, अपने हाथों को उठाओ। सारे भैन भरा जैन सिंह दी, पापा जी भी जैन सिंह दी, मैं प्रभु का धन्यवाद करती। परमेश्वर ने मैनू अपनी वड्डी गवाही दे नाल खड़ा किया। मेरा नाम पूजा, मैं जलंधर तो हाँ। मैं प्रभु का शुक्रिया करती हाँ जी, वो परमेश्वर के दास जी ने मेरे लिए प्रवैसी की सी वीरवार वाले दिन कि पूजा ने नाम ने बेटा मिल जा रहा है। मैं प्रभु का धन्यवाद करती। परमेश्वर ने मैनू बेटे नाल ब्लैस किया। मैं प्रभु का बहुत बहुत शुक्रिया करती हाँ। मैं अनॉइंटी ऑयल वाटर भी लगाया, स्पेशल ले हैंड भी कराई सी। हालेलुया। ओ मेरा खुदा है, ओ जिंदा खुदा है। बोलो यीशु मसीह की। देखो हाँ बेटे, कहाँ से आए आप? मैं जलंधर। तो जलंधर से आपने प्रोफेसी को रिसीव किया? हाँ जी। और शादी को कितना टाइम हो गया? 12 साल। 12 साल कि ज्यादा हो गया मेरे से? नहीं नहीं, दो बेटियां मेरे बेटे। मैं कह रहा हूँ कि उसके बाद प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे। हाँ, और परमेश्वर ने चीकू खाया, लड़की होगी
इन्होंने सेब खाया फिर लड़की होगी, तीसरी बार उम्मीद छोड़ दी इन्होंने, नहीं इन्होंने प्रोफेसी को रिसीव किया, परमेश्वर ने बेटे की आशीष दिया। तारीफ करो जोर से यीशु मसीह के नाम में, जाए जाए अपने हाथों को उठाओ जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में, जाओ जाओ शाबाश अपने हाथों को उठाओ जोर से तारीफ करो। हाँ हाँ लड्डू भी खाता थी पेड़ा भी खाता थी, लड्डू भी खाता थी पेड़ा भी खाके देखिया हर एक फड़ी अम्मी है ताजपुरी कहते ने चिर च लगदी होंदी यीशु जी दी हर गल सच्ची अम्मी है ताजपुरी कहते ने चिर च लगदी होंदी यीशु। हाँ जी हाँ जी प्रभु जी बहुत बड़ी गवाही है। ये बहन बता रही है कि एक साल से फॉरेन के लिए ट्राई कर रहे थे लेकिन इनका वीजा नहीं आ रहा था। ये बहन बता रही है 17th ऑफ जुलाई को चर्च में आए थे, आप बोल रहे थे APNM नाम वालों को वीजे के लिए ब्लेसिंग मिल रही है, इन्होंने रिसीव किया और 3 दिन तक बीज बोया, बोल रहे कि 22 जुलाई को इनका वीजा कनाडा का वीजा आ चुका है। हालेलुया जोर से तारीफ करेंगे यीशु मसीह के नाम में जोर से। हाँ हाँ शाबाश। बताएंगे कहाँ से आए बेटे, कहाँ से आए? लुधियाना से आए हैं प्रॉफिट जी। हाँ हाँ जोर से बोलो शाबाश। हाँ जी मेरी गवाही है कि हम 10 जुलाई को फर्स्ट टाइम चर्च में आए, हमने स्पेशल ले हैंड प्रे करवाई और 17 जुलाई को अपने प्रोफेसी की पी नाम वालों को फॉरेन की आशीष मिलने जा रही है, तो हमने और उस प्रोफेसी को प्रोफेटिक वर्ड्स को रिसीव किया एंड अनॉइंटिंग ऑयल एंड वाटर यूज किया और 22 जुलाई को मेरा वीजा आ गया और वीजे से ब्लेस हो गई। हालेलुया जोर से तारीफ करेंगे यीशु मसीह के नाम में। कहां का वीजा आया? कनाडा। कनाडा का, देख रहे हैं आप हर संडे एक ना एक बंदा कनाडा जरूर जाता है, यहां से जाता है कि नहीं? हर संडे एक ना एक बंदा कनाडा में जा रहा है और लेकिन वहां जाके जब काम लग जाता हालेलुया। और जब संडे पहुंच जाते हैं बोलते हैं कि जी हम साड़ी जॉब है जी अपन चर्च नहीं जा सकते, नहीं ऐसे लोगों को कहूंगा शर्म करो शर्म, आपको संडे मिस नहीं करना, काम छोड़ दो नहीं तो एक दिन जॉब मिलेगी स्वर्ग नहीं मिलेगा, याद रखना स्वर्ग मिलना बहुत मुश्किल है, एक दिन कनाडा मिलेगा स्वर्ग नहीं मिलेगा, न्यूजीलैंड भी मिलेगा ऑस्ट्रेलिया भी मिलेगा स्वर्ग नहीं मिलेगा। इस बात को सबको सीखना है जो ऑनलाइन भी सुन रहे हैं, अपने रिश्तेदार अपने बच्चों को इस बात के बारे में बताओ, समझ रहे कि नहीं कि जो संडे चर्च जाना जानते हैं, मैंने क्या कहा करा मोक्ष उसी का जो यीशु को पा लेना जानता है, साज उसी का जो बजाना जानता है, तबला उसी का जो बजाना जानता है, और समुंदर उसी का जो तैरना जानता है, और प्रॉफिट बजिंदर उसी का जो उसके कनाडा चर्च में जाना जानता है, समझ रहे कि नहीं? आपको बिलीव करना है मोक्ष उसी का जो यीशु को पा लेना जानता है। अगर आप इस बात से नहीं समझे आशीष कैसे आती है, कुछ लोग बोलते हैं पापा आशीष कैसे मिलेगी, आशीष जब तक नहीं मिलती जब तक दाऊद की तरह नहीं बोलता एक व्यक्ति, दाऊद बोलता है परमेश्वर हर संडे में तेरी मनोहरता को देखने के लिए आऊंगी, दाऊद ऐसे बैठते हैं आपके सामने और वेदी के सामने बोलते हैं कह रहा कि परमेश्वर मैं हर संडे तुझे देखने आऊं। आपको शायद दिख नहीं रहा यहां पर जहां प्रॉफिट खड़े हैं वहां यीशु मसीह भी खड़े हैं, विश्वास करो, समझ रहे कि नहीं? आपको बिलीव करना है कि पवित्र आत्मा हमारे साथ है, आप आज के दिन परमेश्वर स्वर्ग में नहीं है, आज के दिन वो अपने चर्च में अपने भवन में आप लोगों को के बीच के बीच में है। तारीफ करो जोर से यीशु मसीह के नाम में। हाँ हाँ ठीक है शाबाश, जाए जाए पवित्र आत्मा आशीष दें। हाँ हाँ नेक्स्ट गवाही के साथ। हालेलुया प्रॉफिट जी बहुत ही बड़ा मिराकल हुआ, ये बहन बता रहे हैं इनकी शादी को 10 साल हो गए थे, कोई भी बच्चा नहीं था, बहुत जगह ट्राई किया नहीं हुआ, मगर जब चर्च में आए यहाँ पर स्पेशल ले हैंड प्रेयर करवाया बीज बोकर, आज 10 साल के बाद बेटा हुआ है। जी कमाल होगी ये, कमाल होगी ये, कमाल। बोलो यीशु मसीह की, जो खड़े होके नाच रहे हैं इनको भी बेटे होने के लिए जा रहे हैं, बोलो हालेलुया। परमेश्वर आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। आपको शर्माना नहीं है, जब मैं चर्च में जाता था
मैं शुरू से ही एक स्टैंडर्ड में रहता था, मेरे कपड़े पहनने का स्टैंडर्ड था। मैं मुंह धोए बगैर या नहाए बगैर घर से बाहर नहीं निकलता कभी, कंघी करे बगैर। मेरे पैरों में चप्पल नहीं होती कभी भी, कोई मुझे मिलने आ गया मैं गेट पे चप्पल में नहीं जाता, मैं उसको बोलता हूँ ठहर मैं जूते पहन के आ रहा हूँ तेरे से मिलने। मेरा एक स्टैंडर्ड है, आपकी लाइफ में आपका एक स्टैंडर्ड हो। और मैं कभी भी शर्माता नहीं था, जब भी किसी की गवाही आती थी तो मैं अपने बेंच पे खड़ा होकर छलांग मारता था, मैंने कहा मजा आ गया। परमेश्वर ने कहा कि तू क्यों इतने मजे ले रहा है, मैंने कहा एक दिन मैं अपने चर्च में मजे लूंगा यीशु मसीह के नाम में। आप समझ रहे हैं कि नहीं? yes. विश्वास कर रहे हैं? yes. आपको विश्वास करना है। आप ये मत देखो कि साथ में कौन है कि कौन नहीं। मेरी दादी बोलती थी बेटा उसको हुआ तेरी तो ब्याह भी नहीं हुआ, तू क्यों ऐसे कर रहा है। मैंने कहा सारी आशीषें हाँ और आमीन में मिलने वाली है यीशु मसीह के नाम में। देखो आपके सामने 10 साल थोड़े नहीं होते हैं, अभी आपने सुना 12 साल, अब 10 साल। हाँ बताएंगे कहाँ से हैं? सबसे पहले सारी कलीसिया को जय मसीह की और प्रॉफिट जी को जय मसीह की। मैं जम्मू कश्मीर से डॉक्टर संजय, असिस्टेंट प्रोफेसर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। ताड़ी बजाओ डॉक्टर साहब के लिए। 10 साल से हमारे यहाँ कोई बच्चा नहीं था, बहुत सारी जगहों पे डॉक्टर्स के पास बहुत सारा पैसा मैंने खर्च किया और चेले फकीर वगैरह जहाँ भी जिसने कहा वहाँ चला गया। लेकिन आखिरकार यीशु मसीह का बुलावा था, जब मैं पहली बार यहाँ पे चर्च में आया उस टाइम तो ले हैंड प्रे नहीं करवा पाया, लेकिन दूसरी बार जब मैं आया तो मैंने प्रॉफिट जी से ले हैंड प्रे करवाई और आज हम 10 साल के बाद वही बेबी के साथ प्लस हैं। और ये सारी बैठ जाओ। अरे पहली बार में तो लड़की भी समझती नहीं है कि मेरा पति अच्छा है कि माड़ा है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहे हैं कि जब दुल्हन जब घर जाती है दूल्हे के, तो उसको अच्छा नहीं लगता दूल्हा, ना उसका घर अच्छा लगता है। तो मैं कह रहा हूँ यीशु मसीह वो दूल्हा है और आप उसकी दुल्हन है। जब आप यीशु मसीह के अपने दूल्हे से प्यार करेंगे, मैं कह रहा हूँ वो बरकतें देने वाला आज यीशु मसीह के नाम में देगा कि नहीं बरकतें वो। देखो 10 साल जम्मू कश्मीर से आए, खुद डॉक्टर है, सारी PhD कर रखी हैं इस भाई ने। और मैं भी सोच रहा था डॉक्टर के पास जाऊं जब मेरे पास बेटा नहीं था, तो लेकिन मैंने विश्वास रखा परमेश्वर पर, बोलो हालेलुया। जब मेरे 2 बेटियां होगी मुझे भी टेंशन होगी थी, मैंने कहा यार बेटियां ही हो ही जा रही, क्योंकि परमेश्वर ने कहा हम कई बार मांगते नहीं है। बाइबल में लिखा मांगोगे मिलेगा, जिसको पहला बच्चा चाहिए होता है वो कहता कुछ भी हो जाए, जब दूसरी भी बेटी हो जाती है फिर टेंशन हो जाती है कि तीसरी भी ना हो जाए। सारे बोला हालेलुया। कितना को बेटा चाहिए? अरे शर्माओ नहीं, मैं भी हाथ उठा रहा हूँ, शर्माओ नहीं, किसको चाहिए बेटा? हाथों को उठाऊ सरदार, तू भी हाथ उठा। सारे बोला हालेलुया। विश्वास करो, अगर आपको नहीं चाहिए, आपकी उम्र ज्यादा हो गई है, अरे पोता तो चाहिए कि नहीं? अपने हाथों को उठाऊं। और जो लोग मुझे देख रहे हैं इसी समय, देखो पहली बार आया इसने ले एंड प्रे नहीं कराई, क्योंकि ये समझ नहीं पाया कि पास्टर सही है कि नहीं। जब इसने गवाहियां सुनी दूसरी बार में ले एंड प्रे कराई, लेकिन आज मैं आपके लिए ले एंड प्रे कर रहा हूं। ये देखो ऑनलाइन फ्री ले एंड प्रे है, अपने सिर पे हाथ रख लो। कौन कहता है प्रॉफिट बजिंदर पैसे लेता आपसे? लो हाथ करो अपने सिर पे रखो और ये फ्री ले एंड सबके लिए, जिसके पास बेटा नहीं है पोता चाहिए। और देखो आप पड़ोसियों के लिए भी दुआ करोगे, आज चमत्कार होगा। अबलाबा शबला बाबा लबा शबला बाबा लबा शबला बाबा लबा शबला बाबा लबा शबला बाबा राचा रबा सना योवरे रे 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 रे। और खुल जाए हर एक आशीष यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु आज एंजल जाए यीशु मसीह के नाम में, और मैं इनके सिर पर विश्वास से हाथ रखता हूँ। और इसी समय मेरे प्रभु पवित्र आत्मा इनके गर्भ में आशीष आए, इनके घर में बेटे की पोते की आशीष आए, इनके पड़ोसियों को भी आशीष मिले। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में ब्लेस करता हूं, यीशु मसीह के नाम में आमीन। और खास कर सुनो, जिसका नाम GRSAMNP और B से है, बेटे की आशीष मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। और आ जाना मेरे चर्च में, जिसके बाद 15 साल 20 साल 25 साल बच्चा नहीं है। ऐसे नहीं बोल रहा हूं मैं, गवाहियां सुनाता हूं आपके सामने। 20 साल एक देखो आपके सामने, 10 साल 12 साल वाले भी आकर गवाही दे रहे हैं। मेरे चर्च में 50 ईयर्स वाले ने भी आकर गवाही दिया, बेटा हुआ है यीशु मसीह के नाम में।
ना तागा लगेगा, ना इंजेक्शन लगेगा, ना गोली खाओगे। यीशु के वचन से ब्लेसिंग मिलेगी आपको यीशु मसीह के नाम में। मेरी है, मेरी है, जित मेरी है, यीशु नाम विच जित होनी मेरी है, जित मेरी है, मेरी है, जित मेरी है। बोलो यीशु मसीह की। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। प्रॉफिट जी बहुत बड़ी गवाही है। ये बहन बता रही है पिछले 12 साल इनकी शादी को हो चुके हैं और इनके पास बेबी नहीं था। कंसीव करना चाहते थे लेकिन कंसीव नहीं कर पा रहे थे। ये चर्च में आए, इन्होंने अनॉइंटिंग ऑयल और वाटर को यूज किया, प्रोफेसी को रिसीव किया। 12 साल बाद ये बहन प्रेग्नेंट हो चुकी है। और पापा इनकी दूसरी गवाही है कि ये बहन प्रेग्नेंट हो चुकी थी और डॉक्टर्स ने स्कैन में बता दिया था कि इनका बेटा डेड हो चुका है, बच्चा डेड हो चुका है। और लेकिन इन्होंने विश्वास के साथ अनॉइंटिंग ऑयल और वाटर को यूज किया, बीज बोया, 3 दिन तक ये बहन बता रही है बेटा बिल्कुल सुरक्षित है। जीसस उना था बल बड़ा ऊंचा है, जिना थे बल है यहोवा। उना था बल बड़ा ऊंचा है, जिना थे बल है यहोवा। बोलो यीशु मसीह की। बोलो यीशु मसीह की। आपको आज अनॉइंटिंग दिखाएंगे यहाँ पर। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। अभिषेक देखना है किसी ने? आज देखोगे आप सुनते थे, महसूस करते थे, आज देखोगे। बैठ जाओ। हाँ हाँ हाँ, कहाँ से आए बेटे बताएंगे? जेएमसी के पापा जी, मेरा नाम किरण है, मैं लुधियाना तो आई हाँ। मैं 12 साल तो बाद प्रेगनेंसी कंसीव की थी। मैं तुहाडे कोल स्पैशल एहेंड भी करवाई सी, तुहाडे प्रोफेसी भी रिसीव की थी, जो तुसीं कह रहे किरण नाम नूं बेटे दी आशीष मिलन जा रही है। मैं प्रोफेसी नूं रिसीव कीता ते मैं प्रेगनेंसी नूं कंसीव कीता। ते फिर उस तों बाद डॉक्टर ने कहा भी तुहाडे बेटे तुहाडे बच्चे दी पेट च डैथ हो चुकी है, ते सो मिस कैरेज होना पड़ेगा। पर मैं अनॉइंटिंग ऑयल वाटर लगाया तो मैं बिल्कुल फ्री हो गई। तारीफ करो जोर से। देखो लुधियाना से आई बहन और किरण, और 12 साल से प्रेगनेंट नहीं हो पा रहे थे। आप प्रेग्नेंट हो? बच्चा? अभी 2.5 महीने की प्रेग्नेंट है। सारे बोला हालेलुया, ये परमेश्वर है। थोड़े होते हैं 12 साल। ये कौन है आपके साथ में? मम्मी। सांस तो नहीं है ना? नहीं नहीं। हाँ ठीक है, कुछ नहीं होगा। माँ, इसकी माँ साथ में आई है, गवाह है। 12 साल और रिपोर्टें इसके पास हैं कि डॉक्टर ने बताया कि प्रॉब्लम है, अभी नहीं बन सकता बच्चा, लेकिन बन गया और आज आपके सामने है। मतलब कि परमेश्वर ने आशीष दिया, प्रेग्नेंट है ये बहन। 12 साल थोड़े नहीं होते ले हैंड प्रे कराने के बाद। और अभी 10 साल वाला जम्मू कश्मीर से आकर बता के गया। बता के गया कि नहीं? पहली बार में अच्छा नहीं लगता प्रॉफिट बजिंदर किसी को, दूसरी बार में पता लगता कुछ है यहाँ पर। हालेलुया, मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? आज है, जो मुझे देख रहे हैं मिराइकल हो जाए उनके लिए यीशु मसीह के नाम में। आपके पर्स में मिराइकल मनी हो यीशु मसीह के नाम में, आपके अकाउंट में मिराइकल मनी हो यीशु मसीह के नाम में। ब्लेसिंग को खोलता हूँ यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। दो लड़कियां मुझे मिलने के लिए आई थी महाराष्ट्र से। हाँ वो कहाँ है अभी? मुझे गेट पे मिल रही थी, बैठी है यहाँ पर कई। हाँ वो देखो, ये दो लड़कियां मेरे को मिलने के लिए आई। कैमरामैन तेरे घर भेजूं मिलने के लिए? हाँ, ये दो लड़कियां माइक कर, मोटी। हाँ सुनो, दो लड़कियां ये मिलने के लिए आई महाराष्ट्र से स्पेशल, कभी मेरे को मिली नहीं है, कभी इन्होंने देखा नहीं। माइक करो, माइक वहीं से माइक कर दे। हाँ देखो, ये बता रही है कि मैं ऑनलाइन महाराष्ट्र में प्रोफेसी सुन रही थी। आपने मेरा नाम लेके, नाम लेके, क्या नाम है आपका? कल्याणी। क्या? कल्याणी। हाँ कल्याणी, कोई मुझे देख रही है और परमेश्वर उसको 7 दिन के अंदर गवर्नमेंट जॉब देने के लिए जा रहा है। और इसको क्या मिला बेटे? गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब, हालेलुया। सुनो, और फिर ये बता रही कि उसके बाद आपने कहा, फिर कहा कल्याणी तेरे अकाउंट में मिराकल मनी होगा। बिलीव करने वालों के लिए कुछ भी हो सकता है। कितने कितने पैसे आए अकाउंट में? 13 लाख। ताड़ी बजाएंगे जोर से। हालेलुया, मैं एक बात बता रहा हूँ, एक छलांग लगा के बैठ जाओ। सारे बोला हालेलुया, हालेलुया। चर्च में जोश पाना पड़ता है। मैं कह रहा था, एक पादरी मुझे फोन करके कह रहा था, कह रहा आपके चर्च में लोग, इंडिया में लोग बड़े जवान हैं, कह रहे यहाँ तो जवान भी बूढ़े हैं बाहर फॉरेन में, कहते सुस्त होके बैठते हैं। मैंने कहा पादरी थोड़ा टैक्ट लेके जा मेरे से। हालेलुया, हालेलुया। आप समझो, देखो 13 लाख रुपया मेरा एकल मनी आया इसके अकाउंट में। ये परमेश्वर है,
पवित्र आत्मा प्रार्थनाओं को सुनता है परमेश्वर। यीशु मसीह के पास जो लोग दूर से आते थे वो लोग ज्यादा बरकत लेकर जाते थे, जो लोग नेड़े से आते थे वो बरकत कम लेते थे। हमारे घर का ही तो है, हमारे पड़ोस में रहता है, जब मर्जी मिल जाएगा। वो मुझे आते ही देख के करी करी, हाँ मुझे यकीन ही नहीं हो रहा मैं प्रॉफिट जिंदर आपके सामने बैठी हूँ, और मुझे शर्म आ रही। मैंने कहा ये जो बाहर गेट पे खड़ा रोज मिलता है मेरे को, कभी बोलता ही नहीं ऐसे। हालेलुया, समझ रहे हैं कि नहीं? इसने आदर किया, और अभी 3 हफ्ते के बाद एक गुड न्यूज तेरे को और मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। सारे बोले हालेलुया, अपने हाथों को उठाओ जोर से तारीफ करें। हाँ हाँ बैठ जाओ। हालेलुया, प्रॉफिट जी बहुत बड़ी मिराकल वाली गवाही है। ये भाई यहाँ पर आए थे, आपने इनके लिए ले हैंड प्रेयर किया। ये 3 साल से व्हीलचेयर पर था, बिल्कुल चल नहीं सकता था, आपने हाथ रखा और आपके हाथ रखने के बाद आज अपने पैरों पर खड़ा है। दौड़ेंगे दौड़ेंगे लकड़े भी दौड़ेंगे 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 साडा यीशु अज मूड विच आ गया, लंगड़े दौड़ेंगे साडा यीशु अज मूड विच आ गया। बोलो यीशु मसीह की। अपने पड़ोसी से पूछो, ओए मूड में आया के जबरदस्ती आया चर्च में आज? कुछ लोग मूड में नहीं आए, जबरदस्ती आए चर्च में। मैंने देखा इंग्लैंड में तो जबरदस्ती जाते हैं चर्च में, करे ए चलना, करे नहीं नहीं आज नहीं जाना मैं। वो कहते नहीं नहीं, प्रॉफिट बजिंदर कहता संडे नहीं जाते ना, तो कुबड़े हो जाते जल्दी बुढ़े हो जाते। वो फिर जबरदस्ती जाते हैं चर्च में, नहीं करे जो संडे चर्च नहीं आते उनके गोड्डे जल्दी दर्द करते हैं। कह रहे नहीं नहीं, उनकी बहुएं ऐसे डरा डरा के सांस को ले जाती हैं चर्च में बेचारी। सांस आपको पता ज्यादा छुट्टियां मारती हैं, लेकिन परमेश्वर आपको आशीष दे, आपको विश्वास करना है। अगर आज आप मूड में आए हो, यीशु मूड में बैठा आज आशीष देने के लिए, यीशु मसीह के नाम में। तैयार हो कि नहीं? हालेलुया। हां हां, जिस दिन उन्होंने ले हैंड प्रेयर किया, आपने उसी दिन प्रोफेसी किया था कि परमेश्वर तेरा बेटा देने के लिए जा रहा है। हाँ। 3 साल के बाद, 3 साल से कोई कंसीव नहीं हो रहा था, 3 साल के बाद प्रभु ने बेटा दिया है। टीचर मेरा खुदा है, ओ जिंदा खुदा है। बोलो हालेलुया। आप एक बात से समझ गए, जब आपकी कोई ज्यादा बुराई करे तो आपकी ज्यादा प्रमोशन होनी शुरू हो जाती है। आपको समझना है, जब लोग ज्यादा बुराई करते हैं तो उसके बाद परमेश्वर आपकी जरूर सुनेगा। बोलो हालेलुया। हाँ हाँ बताएंगे, शाबाश। पापा जी जय मसीह की। कहाँ से आए? जय मसीह की, मैं यूपी से आया हूँ। जय मसीह की, दो बार तेरी यूपी के। हाँ हाँ जल्दी बोलो फटाफट। पापा जी मेरा आधा शरीर चलना बंद हो गया था, उसके बाद मैंने यहाँ के लैंड प्रेयर कराया और तो मुझे यूरिन बैग लगा हुआ था उस टाइम पे। आपने मेरे पेट पर हाथ रखकर मुझसे कहा कि जाओ ये अब निकल जाएगा, और घर जाने के बाद वो अपने आप ही निकल गया बिना डॉक्टर के। डॉक्टर भी हैरान था कि ये कैसे हो गया। हालेलुया। उसके हालेलुया। अब मैं ऑनलाइन मीटिंग अटेंड कर रहा था और आप प्रोफेसी कर रहे थे कि एलनाम वालों को बेटे के साथ ब्लेस करने जा रहे हैं, और आज मैं बेटे के साथ ब्लेस हूँ, नॉर्मल डिलीवरी के साथ। हालेलुया। दौड़ेंगे दौड़ेंगे, फिर से कहो दौड़ेंगे दौड़ेंगे, लंगड़े भी दौड़ेंगे दौड़ेंगे दौड़ेंगे, साडा यीशु अज मूड विच आ गया, लंगड़े दौड़ेंगे। बोलो यीशु मसीह की। आज तुम दौड़ रहे हो, एक दिन तुम घोड़े पर दौड़ोगे। आमीन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। सब लोगों को, जो लोग अभी इसी समय खड़े हैं, आपके घर मिराकल हो रहा है, मिराकल। आमीन। बैठ जाओ, शाबाश, तारीफ करो जोर से यीशु मसीह के नाम में। हाँ हाँ हाँ, नेक्स्ट गवाही के साथ शाबाश। प्रॉफिट जी बहुत बड़ी गवाही है। ये बहन अपने हस्बैंड की गवाही बता रहे, कह रहे कि 10 साल से फॉरेन के लिए ट्राई कर रहे थे लेकिन वीजा नहीं आ रहा था, कभी फाइनेंशियली प्रॉब्लम, कभी पेपर्स में गड़बड़ी हो जाती, पर इन्होंने प्रोफेसी को रिसीव किया, अनॉइंटिंग ऑयल और वाटर को यूज किया, इटली का वीजा आ चुका है। साडा यीशु अज मूड विच आ गया, लंगड़े दौड़े। बोलो यीशु मसीह की। हा 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 बताएंगे शाबाश, कहां से आए? पठानकोट आलिए। हाँ हाँ जोर से गवाही सुनेंगे शाबाश। हाँ। जय मसीह की। पापा जी सारिआं नूं जय मसीह दी। आई 10 साल तो ट्राई कर रही फोरन ते जिथे भी लांदे सी साडा रिफ्यूज आ जांदा सी। पापा जी तुसीं वीरवार ऑनलाइन मैं सुन रही सी गवाही, तुसीं बोलदे कुलविंदर सिंह तेरा वीजा आने जा रहा है, अगले अगले हफ्ते साडा
भी जा चुका इटली का जी, कमाल हो गई बोलो यीशु मसीह की। मैंने क्या कहा था स्टेज पर, आपको चार कंट्रियों के से आशीष आ रही है यीशु मसीह के नाम में। अब ट्राई करो, परमेश्वर ब्लेसिंग दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। आपके सामने है, दिखा स्क्रीन पर, इटली का वीजा है इस भाई का, और नाम लेकर प्रोफेसी किया था, आप देख रहे हैं इसका नाम और ऊपर लिखा इटली। हालेलुया, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में, जोर से। ये परमेश्वर है, अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। ये बहन के लिए प्रोफेसी हुआ था एक बार यहाँ पर, हाँ नहीं, यहाँ पर एक बार भविष्यवाणी किया था आपके लिए, याद है? हाँ जी, हाँ जी, कितनी थी पापा जी? जब तू चश्मा लगा के आती थी। हाँ जी, पापा जी। परमेश्वर आशीष देता, देखो कितने साल से बहन जुड़ी हुई है, बेटा भी हुआ और पति का वीजा भी लगा, परमेश्वर ने आशीष दिया। कुछ लोग आते हैं और जाते हैं, लेकिन आपको स्टे करना है, आपको मेरी बात समझना है कि आपको विश्वास करना है और ठहरना है। जब आप ठहरते हैं, प्रभु आपके जीवन में, आपके जीवन में आशीषों को ठहराएगा यीशु मसीह के नाम में। हाँ, शाबाश, नेक्स्ट गवाही के साथ। हालेलुया, प्रोफेट जी बहुत ही बड़ी गवाही है, ये बहन बता रही है, ये फर्स्ट टाइम चर्च में गवाही देने के लिए आए हैं। आपने ऑनलाइन में प्रोफेसी किया था कि जिसका बेटे नहीं है परमेश्वर बेटे देने के लिए जा रहे हैं, 10 साल के बाद इन्हें बेटा हुआ है। मौजा लग गई ने, जोर से तारीफ करेंगे यीशु मसीह के नाम में। बैठ जाओ, परमेश्वर आपको आशीष दे, गुड न्यूज मिले आपको यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया, विश्वास कर रहे हो कि परमेश्वर आपको भी बेटे की आशीष देगा यीशु मसीह के नाम में? विश्वास कर रहे हो कि नहीं? किसको बेटा नहीं चाहिए? जिसको नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप पड़ोसियों के लिए मांग रहे हैं, आपको बरकत मिल रही है यीशु के नाम में। हाँ हाँ हाँ, कहाँ से आए बेटे, कहाँ से आए? हाँ माइक में बताओ, लालू के यहाँ से जाए। बिहार लखीसराय जिला से। अच्छा, लखी जिला से, लखीसराय जिला से, बिहार से। कब से बच्चा नहीं था? 10 साल से बेटा नहीं, और बेटा नहीं था, कैसे मिला बेटे की आशीष? आपने 14 अप्रैल 2020 को प्रवेश कर रहे थे, जिसको पास कोई औलाद नहीं है उस दिन खाना मत खाना और यीशु का लहू गेट खिड़की पर लगा देना। हम ऐसा ही किया और 23 मार्च 2020 को ये हो गया। 23 मार्च 2020 को ये हो गया। हाँ। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया, सारे बोलो ये हो गया। परमेश्वर ने आशीष दिया बिहार वालों को और वो हो गया। सारे बोले हालेलुया, हालेलुया। ये बता रही है कि आपने कहा कि अपने गेट पर यीशु मसीह के लहू को लगा दे, क्यों? क्योंकि दुष्ट गेट में घुस रहा था और आपको बच्चे नहीं होने दे रहा था। आपको बिलीव करने हैं इन भविष्यवाणी पर, प्रोफेटिक बातें हैं ये, जो परमेश्वर कहे वो करो, पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम करेगा यीशु मसीह के नाम में। हाँ हाँ हाँ, नेक्स्ट नेक्स्ट। प्रोफेट जी बहुत बड़ी गवाही है, ये माँ बता रही है कि इनके यूट्रस में गांठ थी, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोल दिया था, ये बहुत परेशान हो चुके थे, ये चर्च में आए, इन्होंने अनॉइंटिंग ऑयल और सारे सब अपने हाथों को उठाओ, और इसी समय वेस्ट बंगाल के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, सारे चर्चों के लिए अलग अलग प्रार्थना करूंगा, अपने हाथों को उठाऊ शाबाश, और इसी समय परमेश्वर में प्रार्थना करता हूँ, वेस्ट बंगाल वालों को इसी समय परमेश्वर ब्लेसिंग दे, जो इस समय हाथ हिला रहे हैं, और इसी समय परमेश्वर इनके घरों में पवित्र आत्मा ब्लेसिंग आने पाए यीशु मसीह के नाम में। कोलकाता चर्च में ब्रांच में ब्लेसिंग स्वर्ग से रिलीज हो जाए यीशु मसीह के नाम। बोलो आमीन, आमीन। हाँ हाँ हाँ, सारी ब्रांचें एक साथ दिखा दें, परमेश्वर आपको आशीष दे। हाँ हाँ, नेक्स्ट गवाही के साथ। प्रॉफिट जी बहुत बड़ी गवाही है, ये मैं बता रही है कि 1 साल से इनके यूट्रस में गांठ थी, डॉक्टर्स ने ऑपरेशन के लिए बोल दिया था, लेकिन ये बहन विश्वास करके चर्च में आए, इन्होंने अनॉइंटिंग ऑयल और वाटर को यूज किया, प्रोफेसी को रिसीव किया, ये बहन नॉर्मल के रिपोर्ट के साथ ब्लेस्ड हो चुकी है। तारीफ करेंगे जोर से। बोलो यीशु मसीह की। हाँ, कब से थी माता गांठे, कब से थी? साल भर से पापा जी। साल भर से थी यूट्रस में गांठे थी, कैसे ठीक हुई? ठीक हुई डॉक्टर, बहुत परेशान हो गई नी, डॉक्टरी में गई नी, और डॉक्टर कहले कि हार्ट के प्रॉब्लम बा और दिल में छेदा बा, 14 दिल में छेदा बा, हार्ट का प्रॉब्लम बा। डॉक्टर क्या बोला बा? डॉक्टर बोला मतलब कि नहीं ठीक हो सकता। फिर काहे ठीक हुए? तो 14 मिनट का पथरी रहल, हम बगल वाला आवत रहल चर्च में, कहला चाची चलो तू चर्च में पापा जी के, बगल वाला बोला। हाँ। सामने वाला नहीं बोला? नहीं
ना जैसे दूसरे गांव कर रहे हैं। हाँ बगल वाला ओके तब वह ले जाके अल तो हम चर्च में आ गए नी और 5-6 महीना हो गया पथरी गली गई मेरे कोनो परेशानी नहीं खे और नॉर्मल निकल है रिपोर्ट है। हालेलुया जी सारे बोले हालेलुया हालेलुया। आपने पड़ोसी को बोलो बगल वाले तू भी हमारे साथ चर्च चल। बगल वाले को लेकर आना अगले संडे आपकी पथरियां गंठे बाहर जाएंगी यीशु मसीह के नाम में। हाँ 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 गवाही के साथ शाबाश नेक्स्ट हालेलुया। ताली बजाओ इसके लिए सुंदर गवाही देने के लिए बिहार बिहार वाली माता के लिए। हाँ हाँ शाबाश नेक्स्ट हालेलुया। प्रवृत्ति बहन बता रहे हैं वीरवार को आप प्रोफेसी कर रहे थे हाँ। कि एम वालों के अकाउंट में मिराकल मनी होने के लिए जा रही है हाँ। अगले दिन ही मॉर्निंग सुबह 6 बजे से मैसेज आया 7 लाख की मिराकल मनी हुई। यस वो मेरा खुदा है ओ जिंदा खुदा है। बोलो यीशु मसीह की बस बस बैठ के ले लो। अब पवित्र आत्मा आपको छुए और बरकत दे यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। ये परमेश्वर की प्रेजेंस है। कहाँ से आए बेटे? पापा जी जय मसीह की मैं गुड़गांव हरियाणा से आई हूँ। एक बार आपने ऑनलाइन प्रोफेसी कर रहे थे कि एम नाम वालों की अकाउंट में मैं देख रहा हूँ 7 लाख आ रहे हैं तो मेरे अकाउंट में 7 लाख की मिराकल हुआ है। 7 लाख रुपए का मिराकल। देखो एक बंदे के 13 लाख एक के 7 लाख और कई लोग मुझे आकर बताते हैं ना हमारे रिश्तेदार ने डाला ना हमारी कंपनी ने डाला किसी ने डाला पता नहीं कौन डाल के चला गया। इसलिए थोड़ा थोड़ा डलवा लो ज्यादा मत डलवाओ। लोग तो आपको वैसे ही बोलते हैं धर्म बदलते हैं पैसे देते हैं। सारे बोले हालेलुया। उनको आज से बोलना है यस हमारा परमेश्वर स्वर्ग से पैसे देता है प्रोवाइड करता है यीशु मसीह के नाम में। वो मिराकल करता है कि नहीं? इसी समय अमृतसर ब्रांच ब्लेसिंग को खुल जाए आपकी यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को लाओ शाबाश। राजपुरा ब्रांच बिहार ब्रांच इसी समय ब्लेसिंग खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। शाबाश ताड़ी बजाओ और इसी समय अपने हाथों को उठाओ बिहार ब्रांच के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह। देखो ये ब्रांच अब से बाहर टेंट लगाना पड़ेगा ग्राउंड भर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। तारीफ करो जोर से हा 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 हा। और इसी समय फाजिल का ब्रांच अपने हाथों को उठाओ ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम में। परमेश्वर फाजिल का ब्रांच में भी तेरी ब्लेसिंग आई यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। अपने हाथों को उठाओ जोर से तारीफ करेंगे यीशु मसीह के नाम में। फाजिल का ब्रांच और इसी समय राजपुरा ब्रांच अपने हाथों को उठाओ और आशीषें स्वर्ग से रिलीज हो जाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर राजपुरा ब्रांच को भी पवित्र आत्मा ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं इनके घरों में आशीषें आई यीशु मसीह के नाम में आमीन। मैं फिर कह रहा हूँ कि सारी ब्रांचें फुल हो रही है आपके पास जगह नहीं होगी अनोइंटिंग आज से डबल होगी आपके ऊपर यीशु मसीह के नाम में। हा 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 नेक्स्ट गवाही के साथ जल्दी जल्दी फटाफट। हाँ प्रॉफिट जी बहुत बड़ी गवाही है। टाइम ये भाई बता रहे हैं कि पिछले 12 साल से इनके बॉडी पे बहुत बुरी स्किन एलर्जी थी। डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि हमारे पास इसका कोई भी इलाज नहीं है आप कहीं पे भी चले जाओगे इसका कहीं पे भी कोई भी इलाज नहीं होएगा। लेकिन ये चर्च में विश्वास के साथ आए अनॉइंटिंग ऑयल और वाटर को यूज किया प्रोफेसी को रिसीव किया ये भाई बता रहे हैं 12 साल की स्किन एलर्जी से बिल्कुल आजाद हो चुके हैं। तारीफ करेंगे जोर से यीशु मसीह के नाम में। बोलो यीशु मसीह की। हाँ दिखा कैमरामैन स्क्रीन पर दिखाओ इनकी फोटो में। हाँ मोबाइल ऑन कर मोबाइल ऑन हाँ हाँ दिखाओ शाबाश। देखो आप माइक में गवाही देंगे फटाफट जल्दी कहाँ से आए आप? मैं लुधियाना से आया हूँ मेरा नाम है गुरप्रीत सिंह। हाँ हाँ मैं खुद वेटनरी डॉक्टर हूँ सर। ठीक है डॉक्टर ने मुझे 12 साल से मैं मेडिसिन खा रहा था मुझे डॉक्टर ने मना कर दिया था कि आपका कोई हल नहीं है यहाँ पे लेकिन मैं सच्चे मन से चर्च में आया और मैं ऑयल और बटर लगाया मैं अच्छा हो गया। लगा देखो आपके सामने है परमेश्वर का आत्मा छुए और बरकत दे यीशु मसीह के नाम में। चल तोड़ जाए से कान पे रखो खोल इसको मोबाइल को। देखो आपके सामने रो रहा है और गवाही दे रहा है खुद डॉक्टर हो आप? हाँ जी मैं बैटरी डॉक्टर हूँ सर। ये खुद डॉक्टर हैं। अबे कभी तेरा बाप बोल नहीं रहा। ये देखो खुद डॉक्टर हैं ये और ये स्क्रीन पर आप देखो इसको सारी शरीर पर ऐसे स्किन एलर्जियां थी। दिखाओ शाबाश उठाओ 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 कोई बात नहीं घबराओ नहीं। हाँ हाँ ये देखो देख रहे हो
कैमरा मैन दिखाओ। अच्छा बस लड़की वाला कैमरा चला, ये तेरे वाला है। हाँ इधर घूम जाओ, सामने घूमो, देखो आगे आओ, आराम से देखो स्क्रीन। बस इसके पूरे शरीर पर देखो निशान ही निशान है, और इसे बड़े बड़े थे ये, और ये इस फोटो में दिखाई दे रहे हैं। और इस समय अभी क्या हुआ, अभी ये खत्म हो चुके हैं। जब आपने दवाई खाई सर, दवाई खाने के लिए तो इलाज ही नहीं निकला ना, दवाई खाई कोई इलाज नहीं हुआ। लेकिन यहाँ से क्या लिया आपने, एंटी कोलाय और वाटर लिया था, और एंटी ऑयल और वाटर लिया, और उसके बाद, उसके बाद 3 महीने के बाद मेरी स्किन एलर्जी हवा में धुआं बन के उड़ गई है। कमाल होगी ये, कमाल होगी ये, कमाल होगी ये, कमाल होगी ये। तारीफ करें यीशु मसीह के नाम में। ये पवित्र आत्मा है, परमेश्वर उन लोगों को बरकतें दे जो लोग विश्वास के साथ यहाँ पर आते हैं। आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर की प्रेजेंस है यहाँ पर, पवित्र आत्मा का अनुग्रह। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो, शाबाश। हाँ हाँ नेक्स्ट। हालेलुया, प्रभु जी प्रोफेसी कर रहे थे, जो बच्चे आईलेट्स कर रहे हैं परमेश्वर उनके जीवन में ब्लेसिंग देने के लिए जा रहे हैं। और जैसे आपने वीरवार को प्रोफेसी किया, अगले दिन ही इस बहन के आईलेट्स में 6 बैंड आए। तारीफ करेंगे जोर से, जाएं जाएं शाबाश बेटे, कोई बात नहीं, सब लाइन लगाओ फटाफट, इसका लाइन लगाओ, शाबाश जल्दी आ जाओ फटाफट। अपने हाथों को उठाओ, और इसी समय जिनको भी कोई प्रॉब्लम है सिर पर हाथ रखो, शाबाश। मैं आपके लिए दुआ कर रहा हूँ, जो ऑनलाइन चर्च, जो हर संडे हर वीरवार दान डालते हैं, जो इस समय परमेश्वर की प्रेजेंस में यहाँ पर खड़े हैं, मैं बैठे हैं, पवित्र आत्मा उन्हें छुएगा और बरकत देगा यीशु मसीह के नाम में, और आशीष देगा। रुक जाओ, अपने हाथों को उठाऊं, पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं, मेरे पिता परमेश्वर इसी समय वो पथरियां बाहर जाएं, रसौलियां बाहर जाएं, कैंसर बाहर, शुगर बाहर, और इसी समय मेरे हाथ के ऊपर से अनॉइंटिंग उतरे, और इसी समय इनके घर पर आशीषें स्वर्ग से रिलीज होने पाएं यीशु मसीह के नाम। जिनके पास गवर्नमेंट जॉब नहीं है ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में, इनके बच्चों की शादियों के लिए ब्लेसिंग को खोलता हूं यीशु मसीह के नाम में, फॉरेन के